तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस एंड जॉन सीना के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जॉन सीना इस मैच को जीतकर 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? और गाइस इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर लास्ट तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस आप सबको पता है कि जब ये मैच अनाउंस हुआ था या फिर इसके रूमर्स आने शुरू हुए थे, तब भी से हम सबको लग रहा था कि जॉन सीना तो इस मैच को नहीं जीतने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस मैच के बाद एक बार फिर से हॉलीवुड में जाकर बिजी हो जाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि कुछ हफ्तों पहले WWE ने अनाउंस कर दिया कि समर स्लैम के बाद भी हमें जॉन सीना WWE की शोज़ पर देखने को मिलेंगे। और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो WWE का 10 सितंबर के आसपास शायद स्मैकडाउन का सुपर शो होने वाला है, वहां पर आपको जॉन सीना एक टैग टीम मैच में भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर जॉन सीना समर स्लैम के बाद भी WWE में रहते हैं तो आप सब जानते हैं फैंस के मन में सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि समर स्लैम के बाद वो अगर कुछ टाइम तक चैंपियन रहते हैं एंड देन वो चैंपियनशिप हार भी सकते हैं और इस तरीके से WWE जॉन सीना को चैंपियन भी बना देगी। और जिस तरीके का फैंस जॉन सीना को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये चीज़ होती है तो इसका बिल्कुल सेंस भी बनता है। और गाइस पर्सनली मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना का इस मैच को जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से करंटली हम देख रहे हैं चीज़ों को, फैंस जॉन सीना को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और जॉन सीना भी अगर समर स्लैम के बाद 1-1.5 महीने तक WWE के साथ रहते हैं तो मेरे हिसाब से जॉन सीना चैंपियन बन सकते हैं। और उसके बाद अगर उनकी रोमन रेंस के साथ फ्यूड कंटिन्यू होती है तो वो आगे चलकर वापस से चैंपियनशिप हार भी सकते हैं और इस तरीके से WWE जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना देगी। और वैसा इसलिए भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इसके बाद जॉन सीना कब WWE में वापस आएंगे ये किसी को भी नहीं पता। और जॉन सीना अगर वापस भी आएंगे तो क्या WWE उन्हें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में डालेगी? फैंस क्या उन्हें वैसा ही सपोर्ट करेंगे? अब फैंस हो सकता है सपोर्ट करे भी, लेकिन उन्हें वापस से मेजिक टोलैंड में डालेगी WWE, वो शायद ना हो पाए। इसलिए अगर जॉन सीना को चैंपियन बनाना है तो गाइस एकदम परफेक्ट टाइम होने वाला है WWE के पास जॉन सीना को यूनिवर्सल चैंपियन बनाने का। और गाइस पर्सनली मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अगर जॉन सीना समर स्लैम में चैंपियन बनते हैं तो डेफिनेटली वो चीज मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जॉन सीना का काफी बड़ा फैन हूं। और अगर जॉन सीना समर स्लैम में चैंपियन बनते हैं तो वो चीज उनके फैंस के लिए काफी बड़ा मूवमेंट होने वाली है। और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।